गुड मॉर्निंग प्रभात, गुड मॉर्निंग ओम सत्यम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महेंद्र, शुभम, ऋतिक, दिनेश, मंगल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिव, विकास, अश्विनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रथम, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? ओके ओके, लास्ट क्लास में हुआ था थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। जी, ये हो गया था आपका थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, यही हुआ था, ये आपका हो गया था। ठीक है जी, ओके प्रथम। देखिएगा यहाँ पे आज हमें जो डिस्कस करना है, आज हमें जो भी डिस्कस करना है वो है पॉइंट आपका डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है जी आदित्य, डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ध्यान रखिएगा, डेटा इंडिपेंडेंस में या इसको समझने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए टोटली कि थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है। ओके, तो आप सभी ने देखा था कि थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया था, समझा भी दिया था। ओके, अब कोई एग्जांपल ले लो आप, ठीक, कोई भी एग्जांपल ले लो। ठीक, जैसे मैं एक कॉलेज कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम्पल नहीं समझोगे आप तो आपको ये इंडिपेंडेंसी समझने में प्रॉब्लम आने वाली है। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ध्यान देना। अब आप ध्यान देना यहाँ पे कि कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजर्स होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्टूडेंट्स एक अलग टाइप के यूजर है, फैकल्टी एक अलग टाइप के यूजर है, और जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो अलग टाइप के यूजर है। इसका मतलब है स्टूडेंट जब अपना डेटा ओपन करेगा तो उसे डेटा का व्यू कुछ और दिखेगा। ठीक है, उसको अपना डेटा दिखेगा कि रोल नंबर क्या है, मेरी अटेंडेंस क्या है, मेरा मार्क्स क्या है, ये सारी चीजें उसे क्या होंगी, दिखेंगी। ओके, इसी तरह से अगर आपका मतलब टेबल के फॉर्म में या किसी भी चीज के फॉर्म में आपका डेटा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। ओके, किसी भी फॉर्म में आपका डेटा क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा।
ध्यान रखना, ये आपका क्या है स्टूडेंट है, ये क्या आपका टीचर है, ठीक है। इसका मतलब है स्क्रीन पे डेटा किस तरीके से उसे दिख रहा है, ये बात यहाँ पे हो रही है, क्लियर टेबल का। उसके बाद आपने यहाँ पे जो लॉजिकल लेवल का मतलब था, कंसेप्चुअल लेवल का मतलब होता है कि आपने कितनी टेबल बनाई है। एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक है, उसके अंदर रोल नंबर है, नेम है, ये जो आप बना रहे हो ये कोर्स, ये जो आप बना रहे हो ना टेबल, ये आपका टीचर नाम की टेबल होगी, फीस नाम की टेबल होगी, कोर्स नाम की टेबल होगी। ये जो सारे के सारे टेबल्स यहाँ पे हैं जो आप बना रहे हो, एक टेबल में कितने एट्रीब्यूट हैं, ये जो काम आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो, ये किस लेवल के अंदर आता था आपका कंसेप्चुअल। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने अगर स्टूडेंट आपसे बोला है कि स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर कितने बाइट ले रहा है मेमोरी में, रोल नंबर मेमोरी में कितने बाइट ले रहा है, 3 बाइट ले रहा है कि 4 बाइट ले रहा है, और आपका रोल नंबर कहाँ पर स्टोर है मेमोरी में, कहाँ पर स्टोर है, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती हैं आपके इंटरनल लेवल में, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिएगा डेटा इंडिपेंडेंस, हेडिंग डालिएगा डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस। अब ध्यान देना, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर समझा दे रहा हूँ इस चीज को आपको क्या है। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस, सॉरी डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस इज द कैपेसिटी या एबिलिटी बोल सकते हैं, इज द कैपेसिटी टू चेंज द टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ डेटाबेस विदाउट विदाउट चेंजिंग द स्कीमा चेंजिंग द बीटा विदाउट चेंजिंग द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल, एट द नेक्स्ट हायर लेवल, एट द नेक्स्ट हायर लेवल। ध्यान देना सभी लोग, ये पहले लिख लो आप, ठीक है, लिख लो, मैं इस बार समझा दे रहा हूँ आपको। डेटा इंडिपेंडेंस इज द कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम विदाउट चेंजिंग द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल। जी जी आदित्य, और हाँ ये नोट्स का जो मैटर है आपका, वो आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है, नोट्स वगैरह आपका यहाँ तक प्रिपेयर है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट का जो भी है, अब वेबसाइट वगैरह अपलोड कराना है, ठीक है, तो अपलोड हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। ओके ओम, वेरी गुड, अब ध्यान देना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये है, ये हो गया सभी को, मैं अब समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समझाऊंगा तो वहां पे ज्यादा बेटर होगा। देखिए ये जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक्सटर्नल लेवल, ये क्या आपका एक्सटर्नल लेवल,
और ये आपका है कॉन्सेप्चुअल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, और ये यहाँ पे क्या है इंटरनल लेवल, ये क्या है आपका इंटरनल लेवल। तो ध्यान रखना आप यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि अगर अगर आप किसी एक लेवल में, डेटाबेस आर्किटेक्चर के किसी एक लेवल में अगर आप कोई चेंजेस करते हैं, अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो उसके नेक्स्ट हायर लेवल पे कोई भी चेंजेज नहीं, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंसी क्या कहती है कि अगर आप किसी एक लेवल पे कोई चेंजिंग यहाँ पे करते हो तो उसके नेक्स्ट लेवल पे कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप इंटरनल लेवल पे कोई चेंजिंग कर रहे हो तो कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंसेप्चुअल लेवल पे कोई चेंजिंग कर रहे हो तो एक्सटर्नल लेवल पर कोई चेंजिंग नहीं होती है, किसी टाइप कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरीके से अगर होता है तो आपका डेटा इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, इसको चेंज करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस इंटरनल को चेंज करने से कंसेप्चुअल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम क्या ओम? प्रॉब्लम क्या ओम? चलिए देखिएगा, ये बात समझ आई जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं कह रहा हूँ बात समझ में आई? देखिए ध्यान से, अब एक एग्जांपल थ्रू बता रहा हूँ मैं। मैंने आपसे कहा कि यहाँ मैंने बताया था कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वहाँ डेटा क्या होता रखा होता है, यहाँ आपकी टेबल्स होती हैं, यहाँ पे क्या होती है टेबल्स होती हैं, और यहाँ पे आपका स्क्रीन होता है जहाँ पे डेटा क्या होता है व्यू होता है। ये आई होप कि ये क्लियर कुछ होगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे। हाँ, मैंने आपसे बोला यार एक काम करते हैं, ठीक है, जैसे आपका डेटा रखा हुआ था मान लेते हैं हार्ड डिस्क में, ध्यान रखना डेटा कहाँ रखा था आपका, हार्ड डिस्क में डेटा रखा हुआ था। ठीक है, अब ये डेटा जो हार्ड डिस्क में रखा हुआ था, अब मैंने मान लेता हूँ इसको, इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, मैंने किसी पेन ड्राइव में रख दिया, मैंने कहाँ रख दिया पेन ड्राइव में। आपका जो सॉफ्टवेयर था, आपका जो आपकी जो वेबसाइट थी, आपकी क्या थी जो वेबसाइट थी, तो वेबसाइट ध्यान रखिएगा, वेबसाइट में बहुत सारी टेबल्स होंगी, डेटाबेस बहुत सारी क्या होंगी टेबल्स होंगी, और वो टेबल्स रियल में जो एक्चुअल डेटा स्टोर होगा वो कहाँ स्टोर रहा होगा, हार्ड डिस्क में। आपने कहाँ रख दी पेन ड्राइव में, आपने कहाँ रख दी सीडी में रख दिया आपने। मतलब उसका स्ट्रक्चर आप चेंज कर दो, या रियल उसका एक्चुअल में कहाँ स्टोर है वो लोकेशन भी आप क्या कर दो चेंज कर दो, तब भी इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ आ रही, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से अभी मान लेते हैं आपने जो डेटा यहाँ यूजर को व्यू हो रहा था, जो डेटा व्यू हो रहा था, ठीक है, अगर ये डेटा एक टेबल में रखा गया है, एक टेबल में रखा गया है, अगर ये इसको हम अब दो टेबल में रख देते हैं, इसको रख देते हैं दो टेबल में, ठीक है, यहाँ भी रख देते हैं एक टेबल में और दो टेबल में, अगर इसको हम दो टेबल में रख देते हैं तो हमने क्या किया, इसकी जो डिजाइनिंग थी उसको चेंज कर दी, हमने जो इसकी डिजाइनिंग थी उसको चेंज कर दी। अभी तक डेटा एक टेबल में था, अब कितने टेबल में आ गया आपका, दो टेबल में आ गया, लेकिन जो यहाँ व्यू हो रहा है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे डिजाइन कुछ भी रख दो लेकिन जो डेटा व्यू हो रहा है उस पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक, इसका मतलब है आप डिजाइन चेंज कर लो तो डेटा के व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या तो आप आपका लोकेशन चेंज कर लो जहां डेटा स्टोर है, तब भी इसके नेक्स्ट वाले में टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस तरीके से क्या होता है आपका यहाँ पे डेटा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम अगर नहीं होती एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी। बताओ क्लियर है कि नहीं, जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके ओके, वेरी गुड। चलिए
इसीलिए आपको वहां पे समझना था। आप खुद ही अपने दिमाग में इतना रखो कि अगर कोई वेबसाइट हमारी होती है तो वेबसाइट सिंपल सी बात है, हमारे सामने जो डेटा दिख रहा होता है उसका कुछ और व्यू होता है, ठीक है, और जो डेटा टेबल में स्टोर होगा अंदर उसका व्यू कुछ और होगा, ठीक है, वो कुछ और तरीके से होगा। और आपका जो डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है वो बाइट के फॉर्म में होता है, ठीक है, उसका व्यू कुछ और होता है। लेकिन अगर हम हार्ड डिस्क में कोई चेंजेस करते हैं लोकेशन पे या फिर आपका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं अंदर का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेबल वाले सिस्टम पे, डिजाइन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम डिजाइन में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उसके हायर लेवल का मतलब व्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यही है डेटा इंडिपेंडेंसी, ठीक है। अब यहाँ दो टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखना, आपके जो डेटा होता है डेटा इंडिपेंडेंस टू टाइप्स का होता है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। सॉरी, डेटा इंडिपेंडेंस पहला यहां पे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। दूसरा आपका है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ऑफ योर वीडियो, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, हेडिंग बनाना आप यहाँ पे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, अपने तरीके से आप लिखते जाना जिस तरह आप समझ रहे हो, ठीक है, सारी चीजों को। बाकी तो नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करिए जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, लॉजिकल का मतलब होता है कि अगर आप कंसेप्चुअल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे कोई चेंजेस कर रहे हो तो उसके हायर लेवल पे, उसका हायर लेवल कौन है, आपका एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंट। मतलब आपका डेटा लॉजिकली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप डिजाइनिंग में चाहे कोई भी चेंजेस कर लो आपका जो डेटा व्यू हो रहा है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप वेबसाइट कोई विजिट कर रहे हो और अंदर कोई एडमिन क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, कोई नया कॉलम ऐड कर रहा है, कोई कॉलम वहां से डिलीट कर रहा है, तो आपको जो डेटा दिख रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। डेटा इंडिपेंडेंसी का मतलब यहाँ पे ये होता है। देखिएगा, तो हेडिंग बनाइएगा अपना क्या, आप लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसमें लिखिएगा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, में लिखिएगा आप यहाँ पे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इंडिकेट्स इंडिकेट्स दैट द कंसेप्चुअल स्कीमा कंसेप्चुअल स्कीमा कैन बी चेंज विदाउट कैन बी चेंज्ड विदाउट विदाउट अफेक्टिंग द विदाउट अफेक्टिंग द एक्सटर्नल स्कीमा आर व्यू लेवल, ठीक है। इसका मतलब है आप कंसेप्चुअल स्कीमा में कोई भी एडिशन करो, सॉरी कोई भी मैनिपुलेशन करो, कोई भी चेंजेस करो, उसके द्वारा आपका जो एक्सटर्नल स्कीमा है, जो आपका व्यू लेवल है, जो डेटा व्यू हो रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है यहाँ पे जो यूजर है, यहाँ पे जो क्या है, यूजर है जो व्यू कर रहा है, अगर आप टेबल में, अगर आप टेबल में, ये आपकी टेबल है,
अगर आप टेबल में कोई भी चेंजेस कर रहे हो, चेंजेस का मतलब होता है आप यहाँ से यार एक कॉलम ही ऐड कर रहे हो, ठीक है, आपके पास रोल नंबर था, नेम था, कोर्स था, फोन नंबर था, आप एक कॉलम अभी क्या चेंज कर रहे हो, यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड कर रहे हो, ठीक, ओके प्रथम बताओ, ईमेल एड्रेस ऐड कर रहे हो, तो अगर ईमेल एड्रेस ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर चेंज मतलब डिजाइन आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, टेबल की, मगर उसके बाद भी आपका ये जो व्यू होगा वो दिखता रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंसी, ठीक है, ये होता है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब बात और क्लियर हो चुकी होगी आपको, प्रथम बताओ डाउट क्या है, ध्यान रखना आपके 60 नोट्स में आपका ये क्वेश्चन मिलता है आपको, आपका जो आर्किटेक्चर हो तो लांग में आता है, आर्किटेक्चर कहाँ था आपका, लांग में आता है, लेकिन 60 में आपको ये मिलता है, ठीक है, कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, वहां पे दोनों को लिखना है, लॉजिकल और फिजिकल, वही तो बोल रहा हूं आपसे प्रद्युम, डेटाबेस में ऐसा बनाया गया डेटाबेस को, यही तो डेटाबेस का फायदा है, डेटाबेस में आपको ऐसा बनाया गया है, आपको ऐसा बनाना है कि अगर आप जो व्यू करा रहे हो ना वो व्यू कराते रहो, उसको आप अलग कर दो, लेबल हमने अलग कर दिया था, याद है आपको, मैंने चीजों को लेबल में क्यों डिवाइड किया था, मैंने चीजों को लेबल में क्यों डिवाइड किया था, यार जो दिख रहा हो दिखता रहे अपना, ठीक है, हम अंदर कोई भी काम करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके फ्रंट ऑफिस में जी स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब होता है ऐड करना, डेटा ऐड करना नहीं होता है, स्ट्रक्चर टेबल, टेबल अभी शुभम अभी एक टेबल में आपका डेटा, आप दो टेबल में कर रहे हो, आप तीन टेबल में कर रहे हो डेटा, या कोई नई नई टेबल बना के लाके ऐड कर रहे हो, ये होता है ऐड करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है ध्यान रखना, अगर फ्रंट ऑफिस में कोई काम हो रहा है तो बैक ऑफिस में कोई अलग काम हो रहा है, उसके थ्रू बैक ऑफिस में जो काम हो रहा है उसके बिहाफ पे आपके फ्रंट ऑफिस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये इसलिए लेवल में डिवाइड किया था चीजों को, कि एक लेवल में काम हो रहा है तो अगले लेवल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए तो आर्किटेक्चर को तीन लेवल में डिवाइड किया गया, मेन पर्पज क्या था, डेटा को इंडिपेंडेंट बनाना, इसका मतलब यह है, नहीं तो क्या होता कि अगर छोटी सी चेंजिंग करनी होती तो यूजर डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाता, तो फायदा बहुत नुकसान हो जाता इसका, ठीक है, इसका मतलब कोई भी चेंजिंग कर रहे हो आप उस समय क्या करना होगा, आपको ऑफ करना होगा अपनी साइट वगैरह को, ध्यान रखना है इस चीज का आप लोग यहां पे, ओके चलिए दूसरे, आई थिंक लॉजिकल सभी को समझ में आ गया, सृष्टि अनुष्का हेमा सभी को क्लियर है, शुभम अशोक ओके वेरी गुड, सृष्टि वेरी गुड, इशू मतलब कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे, ये तो आपके एग्जाम के लिए इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, क्योंकि ये सब बहुत इंप्लीमेंट करने में बहुत बड़ी चीजें हैं, ओके शिव प्रभात यश वेरी गुड, हेडिंग डालना फिजिकल, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ये बताओ दिमाग में कुछ आया होगा ना, क्या हो सकता है फिजिकल, कुछ गेस किए आप लोग, बताइए क्या हुआ फिजिकल में, क्या हुआ जी, बोथ साइड चेंज मतलब जी, अगर हम लोग क्या करें, फिजिकल का मतलब यहाँ इंटरनल होता है, यहाँ पे क्या होता है इंटरनल या फिजिकल जिसे हम बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कंसेप्चुअल, यहाँ पे क्या होता है आपका कंसेप्चुअल, क्लियर, अगर हम इंटरनल में कोई चेंजिंग करते हैं, अगर हम फिजिकल में कोई चेंजिंग करते हैं, मेमोरी में कोई चेंजेस करते हैं, तो उसके भी हाँ पे आपके जो टेबल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जी, ओके प्रथम वेरी गुड, नहीं, प्रतीक व्यू लेवल नहीं, कंसेप्ट नेक्स्ट हायर की बात होती है यहाँ पे, नेक्स्ट हायर, इसका नेक्स्ट हायर कौन है, कंसेप्चुअल लेवल, तो व्यू लेवल तक नहीं जाएगा ये, ठीक है, इंटरनल लेवल में अगर आप कोई चेंजिंग कर रहे हो तो उसके बिहाफ पे आपका कंसेप्चुअल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बात देखो सुनना यार, आपका जो डेटा था ना वो हार्ड डिस्क में स्टोर था, अब आपने पेन ड्राइव में कर दिया, ये बताओ स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, पेन ड्राइव में कर दिया, अब पेन ड्राइव में कर दिया आप डेटा को, तो ध्यान देना अगर आप क्या कर रहे हैं पेन ड्राइव में कर दिए तो, लेकिन हाँ टेबल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
टेबल के अंदर आपका डेटा वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। आपने पूरे डेटा को कहाँ रख लिया, पेन ड्राइव में रख लिया, फिर अगली बार क्या किया आपने, पूरे डेटा को सीडी में रख लिया, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी जितनी टेबल्स थी जैसे काम होना तो वैसे हो रहा होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है डेटा को कैसे भी चेंज करो मेमोरी वगैरह में, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका आपका डेटा क्या है, फिजिकली इंडिपेंडेंट है। आपका डेटा क्या है, फिजिकली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ध्यान लिख लेना इसमें, इन दिस इफ वी परफॉर्म, इफ वी परफॉर्म एनी चेंजेज इन द मेमोरी आर फिजिकल स्टोरेज आर फिजिकल लेवल, देन no, then there is no effect on conceptual level. बात यहां तक क्लियर है? व्यू डिफरेंट होगा वो तो, व्यू ठीक है, व्यू लेवल पे व्यू डिफरेंट होगा प्रभाव तो सभी का। अगर मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं तो आप सिर्फ क्या सोचेंगे, इंटरनल और कंसेप्चुअल लेवल, ठीक। और अगर मैं लॉजिकल की बात कर रहा हूं तो आप सिर्फ क्या सोचेंगे, लॉजिकल मतलब कंसेप्चुअल और व्यू लेवल या एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। इतना बस सोचना आपको, तीनों एक साथ नहीं सोचना, इसलिए दो बनाया गया है। अगर तीनों एक साथ रिलेटेड होते तो फिर जरूरत क्या थी दो टाइप के इंडिपेंडेंस को यहां बनाने की। एक आपका डेटा फिजिकली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, जब आप मेमोरी में कोई चेंजेस करो तो आपके टेबल में, आपके स्ट्रक्चर में, आपके डिजाइन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर लॉजिकली क्या होता है, अगर आप डिजाइन में कोई चेंज करो तो जो व्यू हो रहा है ना डेटा को, सामने यूजर व्यू कर रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके प्रतीक, वेरी गुड। हो गया सभी का, अनुष्का वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग, ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारे लोग, तो आप सभी ये बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें, लेबल ऑफ डेटाबेस में या डेटा इंडिपेंडेंस में कोई प्रॉब्लम है? जिसको भी हो बता देना, किसी भी टाइप कोई प्रॉब्लम हो तो। प्रथम अक्सर चेंजिंग जरूरत पड़ती है। देखिए मैंने आपसे कहा, ठीक है, मैंने सिंपल सी बात आपसे यहाँ इतना बोला कि मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि आपका जो डेटा बेस था, ध्यान देना, जो डेटा बेस था, मैं फिजिकल की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, फिजिकल की, फिजिकल डीआई मतलब डेटा इंडिपेंडेंस। अगर आपका डेटाबेस, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक, तो अगर यहाँ पे आपका जो डेटाबेस है, अगर वो मान लेता हूं अभी रखा था आपका सीडी में, तो सीडी का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ और होता है, सीडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ और होता है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा यार मैं अब इसी डेटाबेस को कहाँ रखने जा रहा हूँ, हार्ड डिस्क में, इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, बताओ फिजिकल स्ट्रक्चर जो है डेटा का वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रद्युम चेंज हो रहा है ना? ठीक है, अगर वो चेंज हो रहा है तो, लेकिन ये चेंज हो, लेकिन आपके जो डेटाबेस में टेबल्स हैं, जो टेबल्स हैं उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी टेबल किससे जुड़ी हुई है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप सीडी में रखो, चाहे डीवीडी में रखो, चाहे हार्ड डिस्क में रखो। ये होता है इंडिपेंडेंसी का मतलब, डेटा पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, फिजिकली इंडिपेंडेंट है, मतलब फिजिकल में कोई चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके वेरी गुड। अब लॉजिकल देखो
जैसे मैंने आपसे कहा कि यार चलो यही मान लो नेम था मेरे पास, क्या था नेम नाम का एक हमारे पास क्या था एट्रीब्यूट था, मतलब फील्ड थी ठीक। अब नेम की जो साइज मैंने रखी थी, नेम स्ट्रिंग रहा होगा ठीक है, स्ट्रिंग मान लेते हैं कितने का 20 का, कितने का 20 का। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार मुझे इसकी साइज बढ़ानी है, तो मैंने क्या रखा यहाँ पे नेम चेंज कर दिया कॉलम को, नेम नाम नेम ही रखा, बोल दिया स्ट्रिंग कितने की होगी 50 की। ये बताओ चेंज कर रहा हूँ नहीं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे टेबल में, मैं चेंज कर रहा हूँ ना साइज वगैरह को, या मुझे एक नया कॉलम ऐड करना था। मैंने लिख दिया ऐड न्यू कॉलम, ये सब आप करोगे एसक्यूएल में करोगे यार, बहुत सिंपल होता है, इतना लिखोगे ऐड न्यू कॉलम अपने आप कॉलम ऐड हो जाएगा ठीक है। बहुत सिंपल सी लॉजिक होती है, प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मेन समझना आपको क्या होता है डेटाबेस प्रोग्रामिंग। मैं खुद ही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप इससे सिंपल प्रोग्रामिंग आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, जब स्टार्ट होगी तो डेटाबेस बनाना डेटाबेस पे वर्क करना ये सब बहुत ही आसान होगा, इससे सिंपल प्रोग्रामिंग आपने आज तक नहीं देखी होगी ठीक है, इसलिए उसके लिए परेशान ना होइए आप लोग। तो कहीं ना कहीं ये जो आप चेंजिंग कर रहे हो ना टेबल में डिजाइन में चेंजिंग कोई भी कर रहे हो, आप एक टेबल से कई टेबल बना रहे हो, इसके थ्रू जो यूजर डेटा देख रहा है ना, जो आप डेटा देख रहे हो फ्लिपकार्ट पे, यार सिंपल सी बात है फ्लिपकार्ट है मुझे सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, लेकिन अंदर बैठ के एडमिन क्या कर रहा है डेटा टेबल में चेंजिंग कर रहा है। इसके चेंजिंग एडमिन को चेंजिंग करने से आप जो देख रहे हो डेटा फ्लिपकार्ट पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये होता है लॉजिकली। लॉजिकली मतलब आप टेबल में चेंज कर रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो क्लियर? कंसेप्चुअल लेवल का मतलब होता है डिजाइन ऑफ डेटाबेस, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ओके उमेश वेरी गुड। चलिए पूछ रहे हो आप डेटा सेंटर, आप डेटा सेंटर पूछ रहे हो सब। ओके इशू वेरी गुड। सभी लोग बताओ डेटा सेंटर, सभी को पता है डेटा सेंटर क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, दो लोग पूछ चुके डेटा सेंटर क्या है। अरे प्रतीक देखो मेरा कहने का मतलब है, ये बताओ ध्यान दो सभी लोग कि अच्छा बताओ टेबल को चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, पहले ये बताओ प्रतीक, क्या आपने एक बार टेबल बना दी तो क्या उसको कभी फ्यूचर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? चेंज होगा ठीक है, जब चेंज होगा तो आप ही बताओ अंदर जो जिसने वेबसाइट बनाई है, जिसने डेटाबेस बनाया है, जो डेटाबेस यूज कर रहा है और वो टेबल को बैठ करके चेंज कर रहा है, वो टेबल को चेंज कर रहा है, और आप जैसे फ्लिपकार्ट मान लो, ये क्या मान लो आप फ्लिपकार्ट मान लो ठीक है, फ्लिपकार्ट मान लो, अब फ्लिपकार्ट वाला अपनी टेबल को चेंज कर रहा है, आप फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट देख रहे हो, प्रोडक्ट क्या कर रहे हो आप देख रहे हो, आप व्यू लेवल पे हो, ये क्या आपका व्यू लेवल है? ये बताओ अगर ये कोई चेंजेस कर रहा है उस समय आपको प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, जब ये चेंज कर रहा है तो आपको प्रोडक्ट ना दिखे तो आपको आपके लिए वो सही है? आप चाहोगे यार कुछ भी करता रहे हमें प्रोडक्ट दिखना चाहिए, हम इसके चेंज करने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसका मतलब ये है यहाँ पे। प्रतीक समझ में आई बात? बार बार यहाँ चेंज करें, लेकिन मैं कर चाह रहा हूँ जब चेंजेज करें ना तो मुझको मुझे कोई फर्क ना पड़े, मैं चाहे जितनी बार देखना चाहूँ प्रोडक्ट मैं देखता रहूं। हाँ जब व्यू लेवल पे कोई चेंजिंग करेगा तो व्यू लेवल पे ही होगा, लेकिन व्यू लेवल कोई चेंजिंग होती नहीं है क्योंकि व्यू लेवल पे हम लोग होते हैं और आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। आप फ्लिपकार्ट पर जो सामान देख रहे हो देख सकते हो, आप सिर्फ क्या कर सकते हो देख, व्यू का मतलब सिर्फ आप देख सकते हो, वहां कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। ओके हाँ हाँ राइट है प्रदुम। व्यू लेवल पे दिखेगा बाद में, चेंज होने के बाद दिखेगा रजत, लेकिन उस समय आपका व्यू लेवल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको डेटा दिखता रहेगा लेकिन जैसे चेंज होगा उसके बाद आपको दिख जाएगा रिफ्रेश करने के बाद,
लेकिन मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं होगा कि आपका डेटा दिखना बंद हो जाए, आप काम करना बंद कर दोगे जब तक चेंजिंग होगी। ओके, आई होप कि सब लोग पॉइंट मिल गया सभी को, ठीक है? आई थिंक गॉट इट। ओके, डेटा सेंटर का मतलब ये होता है, जिसने भी पूछा था, जहां पे आपका पूरा डेटा स्टोर होता है, ठीक है? जहां पे आपका पूरा डेटा स्टोर होता है, जैसे मैं देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ डेटा सेंटर शो करा दे रहा हूँ, क्लियर? मैं डेटा सेंटर की इमेज शो करा दे रहा हूँ, ऐसे आज इंडिपेंडेंस ही पढ़ लो, अभी जैसे फेसबुक का डेटा सेंटर है, गूगल का डेटा सेंटर है ना, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? वीडियो प्ले कर दे रहा हूँ या इमेज शो करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है? डेटा सेंटर का देख लो आप खुद ही यहाँ पे डेटा सेंटर क्या होता है। वेट, ओके, स्क्रीन दिख रही सभी को? स्क्रीन दिख रही है? ये देख रहे हो आप लोग? ये आप लोग देख रहे हो, सबका सब डेटा सेंटर है यहाँ पे, डेटा क्या स्टोर है, ये पूरा डेटा सेंटर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, पूरा डेटा सेंटर है। दिख रहा था भी, देखो ये पूरा का पूरा डेटा सेंटर है यहाँ, पूरा डेटा ही आपका क्या स्टोर है। दिखा सभी को? वीडियो यहाँ पे प्ले हो रही थी, आपको दिख रही थी कि नहीं? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आप जो भी चीजें, वीडियो अगर ऑफ कर लिया करो, ठीक है? आप सभी लोग आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है? डेटा सेंटर के बारे में इस तरीके से आप जा करके सर्च कर लेना वहां पे, ठीक है? जैसे देखिए ये आपका क्या है, फेसबुक का डेटा सेंटर है, ये आपका पूरा पूरा डेटा सेंटर यहाँ पे आप देख रहे थे, ये पूरा डेटा सेंटर था, ये जो आप देख रहे हो डेटा सेंटर है, बाहर रखा हुआ कहीं पे, ठीक है? ये फेसबुक का डेटा, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा डेटा रखा जा रहा है, हार्ड डिस्क पूरी पूरी लगी है, ठीक है? ये पूरा डेटा सेंटर है यहाँ पे, आपका जो डेटा जीमेल का, फेसबुक की इमेज वगैरह यहाँ पे क्या स्टोर है। ये पूरा का पूरा क्या वर्क हो रहा है, आपका डेटा सेंटर का ही वर्क है। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा ना डेटा सेंटर। जी, अरे इम्प्लीमेंट कर रहा था अक्ष, ठीक है? अरे हर टाइप के लोग लगे रहते हैं ना वहां पे, ठीक है? जी, प्रदुम, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, नई टॉपिक के साथ। अभी आपका एक पोर्शन खत्म हो गया, हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जब भी पढ़ेंगे, ठीक है? ओके।